चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हनुमान जी और वू कॉन्ग के बारे में। ये दोनों ही तो बड़े पावरफुल हैं, बहुत सी सिमिलैरिटीज भी हैं दोनों में। हनुमान जी की तो ताकत और स्पीड की बात ही कुछ और है। उड़ना वो तो चुटकियों में कर लेते हैं, और वू कॉन्ग उसमें भी कमाल के मैजिकल पावर्स हैं। लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी अलग है। जहां हनुमान जी एक समर्पित योद्धा हैं, वहीं वू कॉन्ग थोड़ा ज्यादा इंडिपेंडेंट, चालाक और कभी कभी घमंडी भी। सोचते हो कि हनुमान जी सिंबलाइज क्या करते हैं? भक्ति, ताकत और वफादारी। और वू कॉन्ग वो आजादी, बुद्धि और कभी कभी बगावत का भी सिंबल है। अब सवाल ये उठता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है? बताना मुश्किल है यार, दोनों के पास यूनिक एबिलिटीज हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, हनुमान जी तो देवता हैं। तो आंसर क्लियर है, हनुमान जी की जीत।